कहाँ देखा आपने लोग? हाँ कपिल शर्मा में। अच्छा वो आ गया बाहर? हाँ हाँ कल ही आया कपिल शर्मा शो। हाँ नहीं पता नहीं ऐसा लुक नहीं है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, एडिटिंग ना बहुत बड़ा एक टैलेंट है, कमाल का टैलेंट है। एडिटर हमारे देश में या कहीं सिनेमा में एडिटिंग इस बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है सिनेमा का, फिल्म मेकिंग का या टीवी का। तो कल को अगर मैं किसी को लुक दूँ और वो लुक में वो किसी को फलाना को डाल दें ढिमकाना को डाल दें, तो जरूरी नहीं है कि वो मैंने ही लुक दिया है। समझ रहे हैं आप? एडिटिंग से तो पूरी फिल्म बनती है। अच्छी से अच्छी फिल्म खराब हो सकती है और बुरी से बुरी बुरी फिल्म ठीक हो सकती है एडिटिंग से। तो वही हमारी लाइफ में हो रहा है आजकल। तो ज़्यादा एडिटिंग पे ज़्यादा भरोसा मत करो, अस्तित्व में ऐसा कुछ नहीं है। मैं काम की बात पर शुरू से मेरा काम बोला है, मैं डांस करता था मेरा डांस बोला है, मैंने होस्टिंग करी मेरी होस्टिंग बोल रही है, अब मैं एक्टिंग करूँ मेरी एक्टिंग बोलेगी। ये सब चीज़ सुर्खियों सुर्खियों को उठने दो, हम चलते हैं बढ़ते रहेंगे। इसके पहले जब भी आपने काम किया तो अलग अलग तरीके से उनके डायरेक्शन में आपने एंकर भी किया, ऐसे में जब प्रहलाद जी के साथ काम कर रहे हैं इसलिए टफ दे रहे हैं? ओ फराज सर बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, दी बेस्ट ह्यूमन बींग। और ऑन सेट ऑल्सो हम सबकी बहुत पहले तो बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, बहुत ज़्यादा। और अगर हमें कुछ पूछना भी होता है ना तो बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं उनके अंदर। वो जब कुछ भी नरेट करते हैं ना, आप बैठे हो आपको पूरा इतने अच्छे से नरेट करेंगे, इतने अच्छे से करके बताएंगे कि आपको लगेगा आप वो सीन जी रहे हैं जब वो बताएंगे। तो ही इज़ the best and is that one person on set jinko aap aisa hota hai na bahut log khade hain ek ko specially man karta jaake hi bolne ka baat karne ka wo hai he's so jolly nature and so welcoming ki lagta hai matlab he's such a big director like hi sir you can be like whatever he's a great human yeah fun loving fun loving great human agar hum gaane ki baat kare yentamma how was that experience because obviously लुंगी के साथ डांस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब जहाँ से हम हैं तो वो लुंगी पहन के, और सलमान भाई ने भी जो मेरी खींची है उसमें तो वो आप देखा ही आपने वीडियो जिसे मुझे सिखा रहे हैं, तो एक्सपीरियंस तो बहुत अमेजिंग था यार। 200 से ऊपर डांसर्स थे शायद से, बहुत से नहीं 2000 1000 समथिंग 1000 ऐसे डांसर प्लस मैसिव लेवल पे शूट हुआ है। और ऊपर से रामचरण सर और सलमान सर तो साथ में आएंगे तो आधा तो आप वहीं पे होश, तो बहुत बहुत ज्यादा ग्रैंड एक्सपीरियंस था क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट ग्रैंड सॉन्ग्स है। और पता है हम लोग ना हम लोग जो डांस कर रहे थे वो एक कोरियोग्राफी थी मानते हैं, बट जो हम लोग डांस करते थे ना तो जब ऐसे नहीं कोई गाना बजता और आप बिंदास नाचते हो एकदम जैसे सेलिब्रेशन होता है, तो हम लोग लिटरली वहाँ पे नाच वैसे ही रहते हैं बिंदास। आप मेकिंग देखिए आपको मेकिंग में समझ में आएगा कि हम लोग सिर्फ कोरियोग्राफी नहीं कर रहे थे, जो हमें बताया गया हम वही कर रहे हैं, हम लोग फुल ऑन एंजॉय कर रहे थे। और मेकिंग छोड़िए आप पोस्टर ही देखिए हमारा, मैंने लुंगी कैसे संभाली में पहने के ऊपर करके, अगर आप देखेंगे बाद में आपको दिखाएंगे तो देखना लुंगी, तो वही है मुश्किल था उसमें लेकिन मजा आया, हवादार हवादार लुंगी। मेरे बड़े भाई सगा भाई है और मेरे सबसे अच्छी रेपो पूरी फैमिली में मेरे भाई के साथ में, मैं मुझे सबसे ज्यादा वो समझता है यार, आई लव हिम। और मैं सबसे आई थिंक ज्यादा प्यार अपने भाई छोटे भाई को करता हूँ, और वो भी फिल्म मेकर है, वो थोड़ी फेस्टिवल्स वाली फिल्म बनाता है, अभी न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल गई थी, फिर इधर धर्मशाला फिल्म फेस्टिवल में जीती अवार्ड, तो वैसी वो वैसा फिल्म मेकर है बहुत ही। क्या बात है। हाँ एंड माय तो काफ़ी काफ़ी चीज़ें मुझे उससे सीखने को मिलती है, जैसे मैं बोल रहा था कि इससे सीखता हूँ, छोटों से आप ज़्यादा सीखते हो आजकल, बड़ों से नहीं सीखते, छोटों से बहुत सीख लेना, इनको जो पता है मेरे को ऐसा लगता है ये गुरु है सब। मेरा भी जो छोटा भाई है वो मुझे कभी कभी लगता है मुझसे ज्यादा ठहराव है उसमें, बहुत मैच्योर है, मुझे yes, लगता है कभी कभी मैं घबरा जाती हूँ, मैं दीदी काम नाम ओके यू नो आप ऐसे आई एम लाइक
I'm embarrassed, but you're right. So it's like that. तो मुझे ऐसा लगता है कि वो उसने ना छोटा होके बड़े भाई का काम किया है, क्योंकि आप एज एन एक्टर आपको बहुत सारे फेजेस होते हैं आपके, इमोशनल भी. और तो उसने मुझे बहुत, एक मेरे साथ ही रहता है क्योंकि वो ही इज ऑल्सो डूइंग कॉलेज इन मुंबई होंगे, तो उसने बहुत संभाला है मुझे, बहुत साथ दिया है, एक बड़े भाई की तरह साथ दिया है. तो आई एम रियली लकी. और एक बड़ी चीज उसने मेरे भाई ने और कर दी, जिससे मेरे पूरे परिवार मुझे गालियां देता है, उसने शादी पहले कर ली मुझसे अरे और छोटा है मुझसे, तो ये तो बड़ा वो हो गया ना, घर बड़ा पे भाई होता है, घर पे बड़ों की शादी तुम्हारा पहले बेटा होती है, छोटे ने शादी कर ली, देख उसे. और दूसरी बात है जो वाइफ है आईपीएस है, हाँ, तो अब और वो प्रेशर, तो अब मुझे लग रहा है, लगता है मुझे भाई के साथ फार्म पे रहना है. नहीं ऐसा कुछ सीन. काम बहुत है यार, मैं अभी डबल शिफ्ट मार रहा हूँ, दूसरी फिल्म भी शूट कर रहा हूँ साथ साथ, तो वो अब कैसे मैं नहीं, अभी नहीं, अभी काम पे फोकस बड़ी. हाँ जी, 2 साल क्या चीज, नहीं कि जल्दी क्यों है शादी की आपको, कोई नहीं बता पाया ये, कोई नहीं बता पाया कि शादी कब होगी, ये मैं नहीं बता पाऊंगा, ये तो ऊपर से लिखा आता है ना. ये एक लौते हैं जो आपकी शादी करवाना चाह रहे हैं. पंडित बन क्या हो गए इतने क्यों हुए हैं. तो जैसे कि मैंने भाई के लिए पूछा था, तो मेरे जो बड़े भाई हैं, माय ब्रदर इज लाइक माय फादर, और अगर फिल्म से कहें तो यस, ही इज माय रियल भाई जान, जो हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं, और कोई भी मुझे छोटी बड़ी तकलीफ कुछ भी हो, कुछ भी पूछना हो, आई ऑलवेज गो टू हिम, आस्क हिम, और मुझे वो सबसे ज़्यादा बेस्ट गाइड वही करते हैं.